बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11C इन विच वी विल यूज कैलकुलेटर टू फाइंड द एंगल्स टू फाइंड ईच ऑफ द यस एंगल्स। सो एवरीबडी ओपन एक्सरसाइज 11C विच इज ऑन पेज नंबर 300। Exercise 11C. Question number 1, we have use a calculator to find each of the following giving its trigonometric ratio. Question number 1, Part A, you have given sine A is equal to 0.527. Yes. So what you will have to do, you will find out the inverse of the angle. Sine is multiplying here. ये देखें यहाँ तो multiply हो रहा है, उस तरफ जाके divide हो जाता है. But we are not write the sine. We will not write the sine in division form. We will express it in a inverse form. हम इसको inverse form में लिखेंगे. Okay, students. Just a second. Okay, we will, as you can see that sine A is equal to 0.527. We will move sine from here. हमें angle A find out करना है. To find angle A, sine will be transferred on right hand side. It become inverse. ये inverse बन जाएगा इस तरह से. जब हम इसको यहाँ से यहाँ move करवाएंगे तो ये inverse के साथ आएगा. Everybody please mute your mic. आप लोगों को आवाज़ नहीं आती, मैंने कहा mic off कर दीजिए. 0.527. अब क्लास आप लोगों ने क्या करना है, इफ यू हैव साइंटिफिक कैलकुलेटर देन यू विल प्रेस शिफ्ट बटन. अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पहले उसका आप शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप साइन प्रेस करेंगे. लेकिन अगर आपके पास फोन में आप यूज करें, इफ यू आर यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल, देन पुट इनवर्स बटन, प्रेस इनवर्स बटन. ओके, inverse sine 0.527, आपके पास आंसर आएगा 31.80 डिग्री. ये आपका आंसर आ गया. उसके बाद पार्ट बी यू हैव गिवन cos b is equal to 0.725. As usual we will solve out. हम अब इसको भी सॉल्व करेंगे. cos इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. डिवाइड मतलब इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा. cos इनवर्स 0.725.
जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. कॉस इनवर्स. ओके देन प्रेस शिफ्ट बटन देन कॉस एंड 0.725. आंसर विल बी 0.43. शिफ्ट के आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें जस्ट लाइक आई एम शोइंग द की 0.53. यस स्टूडेंट हाउ टू सॉल्व यू विल प्रेस शिफ्ट बटन इट विल बी इन योर कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो आप उस पर प्रेस करेंगे शिफ्ट बटन. देन इसके साथ आप क्या करेंगे उसके ऊपर कॉस के ऊपर एक आपके पास सिंबल बना हुआ होगा कॉस इनवर्स का और वो सिंबल इस तरह से बना हुआ होगा इस तरह से. उसके साथ अब आप क्या करेंगे इसके साथ यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है. वैल्यू कैसे पुट करेंगे ये रहा जो भी आपकी रेलिवेंट आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है 0.725 स्क्रीन पर तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 43.53. यस स्टूडेंट ये आपका इस तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व होगा. बट इफ यू आर यूजिंग योर कैलकुलेटर इन मोबाइल देन प्रेस इनवर्स. आप इनवर्स का बटन पुट करेंगे ऊपर होगा लिखा हुआ उसके ऊपर तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. इन द सेम वे पार्ट सी भी सेम है इसका टेंजेंट वाला वो आप लोग खुद कर लीजिएगा. ठीक है अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू यू हैव गिवन इसमें हमें कुछ इस तरह से गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल. अच्छा जी क्लास इन विच यू हैव लास्ट एक्सरसाइज वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन विच वी हैव एंगल वॉज गिवेन एंड द साइड वॉज अननोन सो वी विल फाइंड आउट द एंगल्स साइड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इन दिस एक्सरसाइज वी विल फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल. अब हमारे पास जो एंगल गिवेन होंगे ना क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर. अब आप ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी तो आप लोग इसके फ्लेक्सी को इसकी जरा तैयारी कर लीजिए. ओके यस इट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट इज 26 सेंटीमीटर एंगल इज ए. यस ए इज अननोन एंड यू कैन सी यू हैव गिवन टू साइड्स इसमें हमें दो साइड्स गिवन है तो हम इसके लिए देखें यू हैव गिवन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस सो विच फॉर्मूला वी विल विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी विल अप्लाई हेयर. इधर हम कौन सा अप्लाई करेंगे क्लास हमारे पास देखें परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है तो एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse perpendicular upon hypotenuse. Yes angle is unknown angle ab hamare paas unknown hai which is 8 degree is equal to perpendicular you have given 12 and yes students then if it simplified then simplify 2 6 are 12
टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, साइन ए डिग्री इज इक्वल टू 6/13. नाउ क्लास यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स. सो आपने क्या करना है, साइन इधर इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक एज अबव वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर वन. ए इज इक्वल टू साइन, अब ये देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स 6/13. उसके बाद अब हम कैलकुलेटर में पहले हम 6/13 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म, हम फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में जाएंगे. ये देखिए 6/13. यस स्टूडेंट, अब हम इसमें कैलकुलेटर यूज़ करेंगे. 6/13 इज इक्वल टू 0.461. एंड देन फाइंड आउट द साइन इनवर्स. साइन इनवर्स अब हम इसका पुट करेंगे. साइन इनवर्स 0.461, आंसर इज 27.45. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है क्लास, अब आप क्या करेंगे, पार्ट बी सॉल्व हम करेंगे. उसमें हमें क्या करना है, लेट्स सी. पार्ट बी के लिए हम वी विल यूज नेक्स्ट पेज. ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम. ओके, एंड देन हाइपोटेन्यूज यू हैव गिवेन विच इज 17 सेंटीमीटर. And 10 centimeter. Yes, class. And the angle is here, B degree. So class, first we will reset the diagram. ये जो diagram आपको given है, हमें यहाँ पे जिस plane पर दो angle given होते हैं, that will be considered as a base. अब ये दोनों आपको find out, B यहाँ पे find out करना है. ये दोनों angle एक ही plane पर हैं, तो अब हम triangle को घुमाएंगे थोड़ा सा, और मैं इसको ये जब घुमाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज यहाँ आ जाएगा हमारे पास. एंड देन ओके यस, अब मैंने ट्रायंगल को रीसेट किया. तो रीसेट करने के बाद ये परपेंडिकुलर यहाँ आ गया, एंगल भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और बेस इसमें हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. ट्रायंगल को रीसेट करना होगा, अगर ऊपर को ट्रायंगल हमें, और ये 17 ये वाला है हाइपोटेन्यूज गिवन है 17 सेंटीमीटर. ओके, यू हैव गिवन बेस एंड हाइपोटेन्यूज. अब हमें यहाँ पे बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है क्लास, एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट द एंगल बी. कॉस बी इज इक्वल टू, एज वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो स्टूडेंट्स वी विल, बेस यू हैव गिवन 10 सेंटीमीटर, वाइल हाइपोटेन्यूज यू हैव गिवन 17 सेंटीमीटर. फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द डेसिमल, डिवाइड द वैल्यू 10/17. कॉस बी इज इक्वल टू, मुजम्मिल म्यूट योर माइक.
किसने बुलाया मुझे? नानी तेरी। टाइम डिवाइडेड बाय 17। जीरो पॉइंट 5 डबल 8। क्लास अब हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है 0.5 डबल 8। अब यहाँ पर हमें क्लास बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस इधर जाके इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस। बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जीरो पॉइंट 5 डबल 8। अब हम क्लास एज यूजुअल क्या करेंगे, इनवर्स का बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके कॉस। अच्छा जी, इस चैप्टर के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में भी आएगा, तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होगा उसके लिए। 53.98 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। ओके, नेक्स्ट डायग्राम सी। अच्छा क्लास सी में आपको होमवर्क दे रही हूँ, सी आप लोग खुद कीजिएगा। आई एम सॉल्विंग डी पार्ट। अब मैं आपको डी पार्ट सॉल्व कर रही हूँ और सी जो है ना। मिस, जी बेटा। मुझे एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ला सकते हैं क्या? हाँ जी, अच्छा मैंने एग्जाम में, अब आप हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज हो रहा है। अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो जाहिर सी बात है वो आप साइंटिफिक से यूज करेंगे ना। तो फिर मैम से अलाउ करके मैं आपको अलाउ कर दूंगी, ठीक है, पूछ के अलाउ कर दूंगी। अच्छा प्लीज माइक ऑफ कीजिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट डी सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट सी अब आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स ऐसा है कि मेरे घर पे चली गई है लाइट और मेरा लैपटॉप इसके बगैर काम नहीं करेगा, तो हम वेट करते हैं, जैसी लाइट आती है तो मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है बेटा? लाइट चली गई है, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, मैं भी एंड कर रही हूँ क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अगर लाइट आ गई तो फिर मैं ले लूँगी। अल्लाह हाफिज़।